रूस की राजधानी मॉस्को के पास क्रोकस सिटी हॉल में कॉन्सर्ट के दौरान आतंकवादी हमला हुआ। आतंकवादियों ने लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। इस हमले में तकरीबन 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। गोलीबारी के बाद हॉल में धमाका भी हुआ, जिससे वहां आग लग गई। मॉस्को में हुए इस आतंकवादी हमले की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आलोचना की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, हम मॉस्को में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों के परिवार के साथ हैं। भारत इस दुख की घड़ी में रूस के साथ खड़ा है। हमला शुक्रवार यानी 22 मार्च की रात हुआ। इसकी जिम्मेदारी आईएस ने ली है। सेना जैसी वर्दी पहने 5 आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, बम फेंके और फिर फरार हो गए। आतंकी संगठन आईएसआईएस ने आमक न्यूज एजेंसी के जरिए बयान जारी किया है। इस्लामिक स्टेट के लड़ाके ने रूस की राजधानी मॉस्को के बाहरी इलाके क्रोकस सिटी में ईसाइयों के एक बड़े सभा में हमला किया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और कई घायल हुए। उनके सुरक्षित रूप से अपने ठिकाने पर लौटने से पहले उस जगह पर भारी तबाही हुई। हमले के बाद हमारे लड़ाके मौके से भाग निकले। रूस के हमले में यूक्रेन का हाथ होने का भी दावा किया जा रहा है। इस पर यूक्रेन ने बयान जारी करते हुए कहा, हम इस तरह के आरोपों को यूक्रेन विरोधी उन्माद को बढ़ावा देने के रूप में मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में यूक्रेन को बदनाम करने का ये तरीका है। हमारे देश के खिलाफ रूसी नागरिकों को लामबंद किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रूस में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने मार्च के शुरुआत में ही किसी बड़े हमले की चेतावनी जताई थी। दूतावास ने कहा था कि चरमपंथी मॉस्को में म्यूजिक कॉन्सर्ट में हमला करने की साजिश रच रहे हैं। दूतावास ने एडवाइजरी जारी करते हुए रूस में मौजूद अमेरिकी नागरिकों से अगले 48 घंटे में किसी बड़ी सभा में ना जाने के लिए कहा था। वहीं पुतिन ने अमेरिकी दूतावास के हमले की चेतावनी दिए जाने की निंदा की थी। फिलहाल व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन किर्बी ने कहा है कि फिलहाल ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते, हमले की तस्वीर बहुत भयानक है। वहीं मौके पर पहुंची स्पेशल फोर्स पुलिस दंगा विरोधी टीम ने बेसमेंट में फंसे 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है। पुलिस दंगा नियंत्रण यूनिट समेत फोर्स के अलग अलग यूनिट भी मौके पर तैनात हैं। हेलीकॉप्टर से हॉल के ऊपर लगी आग को बुझाने का प्रयास किया गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रूसी अधिकारियों ने कहा है कि मॉस्को के हवाई अड्डे रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बाकी मॉल और भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों की जाँच की जा रही है।